यूपी के मऊ जनपद में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में अवैध असलाह भी बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर के मऊ पुलिस में हलचल मची है। थाना दक्षिण टोला और कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथपुरा और अस्तूपपुरा मोहल्ले में एसटीएफ की टीम द्वारा अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यहां पर शौचालय टैंक के अंदर अवैध असलाह बनाया जाता था। पुलिस ने जिस तरीके से इस अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है, उसके पास से चारों तरफ हलचल मच गया है। वहीं भारी संख्या में अवैध असलहे जो तैयार थे और कुछ अर्ध निर्मित थे, उनको जब्त किया गया है। इसके साथ ही मऊ पुलिस में काफ़ी हलचल मची है। पुलिस की टीम लगातार अभी बरामदगी में जुटी हुई है। वहीं देर रात पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुले ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए घटना के बारे में बताया। वहीं एसपी सुशील भूमले के अनुसार इसमें गोरखपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की बात कही जा रही है, लेकिन वहां पर उपस्थित जो एसटीएफ की टीम थी उनमें बिहार एसटीएफ की बात चल रही है। ऐसे में अभी मामला क्या है इसका खुलासा तो सुबह होगा, लेकिन सुनिए पुलिस अधीक्षक इस मामले पर क्या बयान जारी किए। मऊ पुलिस इनके द्वारा एक मुखबिर की सूचना पर दो जगह पे छापेमारी की है और अभी भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जिसका टीम मौके पे बरामदगी का प्रयास कर रही है। इस बरामदगी के दौरान दो जगहों पे काफ़ी भारी मात्रा में बने अधबने असलाह मिले हैं, असलाह बनाने का सामान मिला है, कुछ ऐसे उपकरण और मशीनरी भी मिली है जिससे असलाह बनाने का जिसका उपयोग किया जा रहा था। चार लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जिनका पता पूछने के बाद उन्होंने चारों ने अपना पता मुंगेर बिहार से बताया है। उन चारों से गहनता से पूछताछ और चल रही है। जो अभी प्राइमरी सूचना है उसके अनुसार ये पता चला है कि उनमें से किसी ने यहाँ पर शादी कर ली है और एक घर बनाया था, जिस घर में उन्होंने बाथरूम के नीचे एक तय खाने में एक छोटा रूम बनाया था, 8x12 का छोटा सा रूम होगा, उस रूम में ये तहखाने में इस काम को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पे गोरखपुर एसटीएफ, मऊ पुलिस की टीम और अन्य हमारे जो साथी है उनके द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। एक जगह दबिश देने के बाद और जगह की सूचना मिली, उस जगह पे अभी दबिश की कार्रवाई जारी है और काफ़ी संख्या में बने अधबने असलाह बरामद हुए हैं और इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो अन्य चीज़ें इससे मिलेगी उसका फॉलोअप प्रेस ब्रीफ भी हमारे द्वारा जारी किया जाएगा, जो आपको जल्दी मिलेगा। सर लगभग संख्या कितनी होगी? अभी जो टीम है उसका मौके पे कार्रवाई जारी है, तो ये बहुत जल्दी होगा कि कितने हैं बताना, पर काफ़ी संख्या में मौके पे बने भी और कुछ ऐसे अधबने जिनमें सामान उपलब्ध है जिससे वो बनाने का कार्य करते थे और मशीनें जिनसे ये सब कराया जाता था, बड़ी मशीन है, ये सब चीज़ें बरामद हुई। सर गोरखपुर एसटीएफ ने पकड़ा तो सर मऊ पुलिस क्या कर रही थी? चल रहा था तो देखिए कार्रवाई चलेगी इसी थाना क्षेत्र में चल रहा था। देखिए जो मौके पे कार्रवाई हुई है दोनों टीमों ने मिलकर की है और उनके पास सूचना थी, उस सूचना के आधार पे पहले जगह रेड हुई है, फिर दूसरी जगह भी रेड हुई है और दोनों टीमों ने मिल करके इसको पकड़ा है। बाकी बरामदगी हो रही है और जो दो चारों अभी पकड़े गए हैं जो बिहार से है उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, उनके पूछताछ के बाद सब चीज़ें सामने आ रही है।